भक्तों, यह शुक्रवार की व्रत कथा है। इस कथा का पूर्ण रूप से श्रवण करें और इसे बीच में बंद ना करें। माँ संतोषी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहेगी। आइए कथा श्रवण करते हैं। ममता मई संतोषी माता, जो नर माँ का नाम ध्याता, भरती भंडारे संतोषी माँ, कष्ट निवारे संतोषी माँ। शुक्रवार को व्रत करो भाई, कृपा करे संतोषी माई। कथा सुनाऊं तुमको पावन, माँ की महिमा अति मन भावन। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को उनकी जूठी थाली में बचा खुचा खाना देती। 7वें बेटे की पत्नी यह सब देखकर बहुत दुखी होती, क्योंकि उसका पति थोड़ा भोला था और इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने अपने पति को बताया कि उसकी माँ उसे जूठा खाना देती है, तो पति ने सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में लेटकर सब सच देख लिया। उसने उसी क्षण वहाँ से जाने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय तुमने सच है दिखाया, एक विचार मेरे मन आया, दूसरे राज्य में मैं अब जाऊं, मेहनत से मैं खूब कमाऊं, अत्याचार अब सह नहीं पाऊं, अब ना और भोला कहलाऊं। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। जब वह जाने लगा तो उसकी पत्नी ने उससे कुछ निशानी मांगी। पति ने अपने हाथ से पत्नी को अंगूठी निकाल कर दी और दूसरे राज्य में चला गया। वहाँ उसे जाते ही काम मिल गया और यहाँ सास ने बहू पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। उससे घर का सारा काम करवाती और जंगल से लकड़ियाँ मंगवाती, नारियल के कटोरे में बहू को पानी देती और भूसे की रोटी खिलाती। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। संतोषी माँ लीला रचाए, बहू एक दिन मंदिर में जाए, व्रत करती महिलाएं देखी, पूजा करती कथा की पूछी, बहने सब कुछ उसको बताए। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। एक दिन
बहू ने मंदिर में कुछ महिलाओं को व्रत व कथा करते हुए देखा। बहू ने मंदिर में व्रत कर रही बहनों से पूछा कि माँ का व्रत कैसे करते हैं। वे बहनों ने बहू को सब विधि बतला दी। तत्पश्चात बहू ने कुछ लकड़ियां बेचकर 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर माँ संतोषी के समक्ष संकल्प लिया और हर शुक्रवार को विधिवत व्रत करने लगी। तो शुक्रवार ही बीते केवल पति का पता और पैसे गए मिल। बहू ने माँ से प्रार्थना की विनती की नी। स्वप्न में माँ ने किए है दर्शन, पति हैरान हुआ देख के ये सब। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। उधर माँ संतोषी ने उसके पति को दर्शन दिए और उसे उसकी पत्नी का हाल दिखाया। यह सब देखकर पति चौंक उठा और दूसरे ही दिन सब कपड़ा गहना लेकर घर की ओर चल पड़ा। वहाँ बहू रोज मंदिर में माँ संतोषी को अपना दुखड़ा सुनाती। एक दिन माँ ने उसे ज्ञान दिया कि तेरा पति लौटने वाला है। और थोड़े दिनों में उसका पति लौट आया और वह दोनों अलग घर में खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ ठीक किया मैया ने, भाग्य सवार दिया मैया ने। उद्यापन हो बहू ने सोचा, शुक्रवार को है ये मौका। जेठानी के बच्चे बुलाए, बहू घर में भोजन करवाए। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। जेठानी को जब पता चला कि देवरानी संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करने वाली है, तो उसने अपने बच्चों को कहा कि चाची के घर जाकर कुछ खट्टा जरूर मांगना। बच्चों ने वैसा ही किया, परंतु जब बहू ने उन्हें खट्टा नहीं दिया तो वे बच्चे चाची से पैसे लेकर बाजार से लाकर खट्टा खाने लगे। इस कृत्य से माँ संतोषी नाराज हो गई, क्योंकि संतोषी माता के व्रत के दिन खट्टा खाना मना होता है और उद्यापन में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भक्त उद्यापन का भोजन करें वे पूरा दिन खट्टा ना खाएं। बच्चों ने खट्टा जब खाया, हुई नाराज संतोषी माता। पति पर कष्ट तुरंत ही आया, राजा ने कारावास भिजवाया। बहु बोली कृपा करो माता, टूटे न माँ बेटी का नाता। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। माँ की कृपा से
अगले ही शुक्रवार फिर से उसने उद्यापन किया और इस बार ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्रह्म भोज से माँ प्रसन्न हुई और इधर राजा ने भी उसके पति को छोड़ दिया। वह पति ने संतोषी माँ की कृपा से फिर से धन अर्जित कर लिया। माँ संतोषी की कृपा जो चाहो व्रत करो और ये कथा सुनाओ। गुड़ और चने का भोग लगाओ, मैया की जयकार बुलाओ। कुमार हरीश ये कथा सुनाए, श्रावक मन चाहा फल पाए। जय संतोषी मां, बोलो जय संतोषी मां। जय संतोषी मां, बोलो जय संतोषी मां। तो भक्तों, जिस प्रकार आपने यह कथा सुनी उसी प्रकार अन्य भक्तों के पास भी यह कथा जरूर शेयर करें ताकि सभी इस कथा का लाभ ले सके। माँ संतोषी आपके भंडारे भरती रहें, आपके खजानों में वृद्धि करें। बोलो संतोषी मैया की जय। तो भक्तों, यह शुक्रवार की व्रत कथा है। इस कथा का पूर्ण रूप से श्रवण करें और इसे बीच में बंद ना करें। माँ संतोषी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहेगी। आइए कथा श्रवण करते हैं। ममता मई संतोषी माता का नाम ध्याता, भरती भंडारे संतोषी माँ, कष्ट निवारे संतोषी माँ। शुक्रवार को व्रत करो भाई, कृपा करे संतोषी माई। कथा सुनाऊं तुमको पावन, माँ की महिमा अति मन भावन। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को उनकी जूठी थाली में बचा खुचा खाना देती। 7वें बेटे की पत्नी यह सब देखकर बहुत दुखी होती क्योंकि उसका पति थोड़ा भोला था और इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने अपने पति को बताया कि उसकी माँ उसे जूठा खाना देती है, तो पति ने सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में लेटकर सब सच देख लिया। उसने उसी क्षण वहाँ से जाने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय तुमने मुझे सच है दिखाया, एक विचार मेरे मन आया। दूसरे राज्य में मैं अब जाऊं, मेहनत से मैं खूब कमाऊं। अत्याचार अब सह नहीं
पाऊं, अब ना और भोला कहलाऊं। जय संतोषी मां, बोलो जय संतोषी मां, जय संतोषी मां, बोलो जय संतोषी मां। जब वह जाने लगा तो उसकी पत्नी ने उससे कुछ निशानी मांगी। पति ने अपने हाथ से पत्नी को अंगूठी निकाल कर दी और दूसरे राज्य में चला गया। वहाँ उसे जाते ही काम मिल गया और यहाँ सास ने बहू पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। उससे घर का सारा काम करवाती और जंगल से लकड़ियाँ मंगवाती, नारियल के कटोरे में बहू को पानी देती और भूसे की रोटी खिलाती। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। संतोषी माँ लीला रचाए, बहू एक दिन मंदिर में जाए, व्रत करती महिलाए देखी, पूजा करती कथा सुनाए, बहु विधि जब व्रत की पूछी, बहने सब कुछ उसको बताए। जय संतोषी मां, बोलो जय संतोषी मां, जय संतोषी मां, बोलो जय संतोषी मां। एक दिन बहू ने मंदिर में कुछ महिलाओं को व्रत व कथा करते हुए देखा। बहू ने मंदिर में व्रत कर रही बहनों से पूछा कि माँ का व्रत कैसे करते हैं। वे बहनों ने बहू को सब विधि बतला दी। तत्पश्चात बहू ने कुछ लकड़ियाँ बेचकर 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर माँ संतोषी के समक्ष संकल्प लिया और हर शुक्रवार को विधिवत व्रत करने लगी। तो शुक्रवार ही बीते केवल, पति का पता और पैसे गए मिल, बहु ने माँ से प्रार्थना की विनती की, स्वप्न में माँ ने दिए है दर्शन, पति हैरान हुआ देख के ये सब। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। उधर माँ संतोषी ने उसके पति को दर्शन दिए और उसे उसकी पत्नी का हाल दिखाया। यह सब देखकर पति चौंक उठा और दूसरे ही दिन सब कपड़ा गहना लेकर घर की ओर चल पड़ा। वहाँ बहू रोज मंदिर में माँ संतोषी को अपना दुखड़ा सुनाती। एक दिन माँ ने उसे ज्ञान दिया कि तेरा पति लौटने वाला है और थोड़े दिनों में उसका पति लौट आया और वह दोनों अलग घर में खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ ठीक किया मैया ने, भाग्य सवार दिया मैया ने, उद्यापन हो शुक्रवार को है ये मौका, जेठानी के बच्चे बुलाए, बहु घर में भोजन करवाए। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ, जय संतोषी।
जेठानी को जब पता चला कि देवरानी संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करने वाली है, तो उसने अपने बच्चों को कहा कि चाची के घर जाकर कुछ खट्टा जरूर मांगना। बच्चों ने वैसा ही किया, परंतु जब बहू ने उन्हें खट्टा नहीं दिया तो वे बच्चे चाची से पैसे लेकर बाजार से लाकर खट्टा खाने लगे। इस कृत्य से माँ संतोषी नाराज हो गई, क्योंकि संतोषी माता के व्रत के दिन खट्टा खाना मना होता है और उद्यापन में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भक्त उद्यापन का भोजन करें वे पूरा दिन खट्टा ना खाएं। बच्चों ने खट्टा जब खाया हुई नाराज संतोषी माता, पति पर कष्ट तुरंत ही आया। राजा ने कारावास भिजवाया, बहु बोली कृपा करो माता, टूटे न मां बेटी का नाता। जय संतोषी मां, बोलो जय संतोषी मां, जय संतोषी मां। माँ की कृपा से अगले ही शुक्रवार फिर से उसने उद्यापन किया और इस बार ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्रह्म भोज से माँ प्रसन्न हुई और इधर राजा ने भी उसके पति को छोड़ दिया। वह पति ने संतोषी माँ की कृपा से फिर से धन अर्जित कर लिया। माँ संतोषी की कृपा जो चाहो व्रत करो और ये कथा सुनाओ, गुड़ और चने का भोग लगाओ, मैया की जयकार बुलाओ, कुमार हरीश ये कथा सुनाए, श्रावक मन चाहा फल पाए। जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, बोलो जय संतोषी माँ। तो भक्तों, जिस प्रकार आपने यह कथा सुनी उसी प्रकार अन्य भक्तों के पास भी यह कथा जरूर शेयर करें, ताकि सभी इस कथा का लाभ ले सकें। माँ संतोषी आपके भंडारे भरती रहें, आपके खजानों में वृद्धि करें। बोलो संतोषी मैया की जय।